देखिए बिहार एसएससी द्वारा जो थर्ड सीजीएल 24 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट जो आयोजित की गई थी, यानी कि 23 दिसंबर को दो शिफ्ट हुआ था और तीसरा शिफ्ट 24 दिसंबर को आयोजित हुआ था, उसका भी पेपर वायरल हुआ था। तो उस पेपर के वायरल होने के पीछे क्या वजह थी, कैसे पेपर वायरल हुआ था, उसके बारे में ये लेटर है जो कि बिहार एसएससी के सचिव के द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को ये लेटर लिखा गया है। तो उसके बारे में देखिए हम बात करेंगे कि आखिर कैसे पेपर वायरल हो गया। और ये चूंकि ऑफिशियल लेटर है जो कि बिहार एसएससी के सचिव से जिला पदाधिकारी को लिखा गया था, पटना के डीएम को लिखा गया था, तो इसमें वो सारी बातें हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो आप डेट देख सकते हैं 4 मई 2023 का ये लेटर है। उससे पहले 29 अप्रैल 2023 को सचिव के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई के एसपी को ये लेटर एक लेटर लिखा गया था जिसमें वीक्षकों पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। तो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये लेटर है। देखिए इसमें क्या लिखा है, विषय में लिखा हुआ है तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के संबंध में। प्रसंग में देखिए लिखा हुआ है पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना का पत्रांक 120 दिनांक और दिनांक यहाँ पे 29/4/2023 जो कि ये आर्थिक अपराध इकाई को लिखा गया था उसके बारे में है। आगे देखिए कि इसमें और कौन क्या क्या बातें हैं, क्या हुआ था सेंटर पे, उसके बारे में देखिए वो चीज़ इसमें दिया गया है। तो महाशय निदेशानुसार उपयुक्त प्रासंगिक विषय कहना है कि बीएस कॉलेज दानापुर, ये वही परीक्षा केंद्र है जहाँ से पेपर वायरल हुआ था, दिनांक 24/12/2022 को प्रथम पाली 10 बजे से 12:15 बजे अपराह्न तक आयोजित विज्ञापन संख्या 122 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के दौरान अभ्यर्थी प्रशांत कुमार, ये लड़का ही फोटो खींचा था, द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मदद से प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक, क्योंकि देखे होंगे कि जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था उसमें ओएमआर शीट भी दिख रहा था, तो ओएमआर उत्तर पत्रक का फोटो लिए जाने एवं इसे सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के कारण आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 4 जनवरी 2023 को आयोग द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई जिसका नंबर है आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 1/2023। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इस एफआईआर में क्या कहा गया है, कैसे पेपर वायरल हुआ उसके बारे में ही ये लेटर है। तो दर्ज प्राथमिकी अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना यानी आर्थिक अपराध इकाई के एसपी के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रतिवेदित किया गया, यानी एसपी ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें क्या कहा गया, देखिए बीएस कॉलेज दानापुर के रूम संख्या सात में परीक्षा समाप्ति के कुछ समय पहले ही और टाइमिंग देखिए समय करीब 12:13 ब्रैकेट में दिया हुआ है, प्रतिनियुक्त वीक्षकों की मौजूदगी में सभी परीक्षार्थी का मोबाइल वितरण किया गया, यानी कि वीक्षकों की मौजूदगी में ही मोबाइल वितरण किया गया और टाइमिंग यहाँ पे जो इनका है वो है समय करीब 12:13 जो कि ब्रैकेट में है करीब है। उसी समय प्रशांत कुमार नाम के एक परीक्षार्थी द्वारा मौका पाकर अपने प्रश्न पत्र संख्या 28/86/850 के पन्नों का फोटो खींच लिया गया। बाद में पता चला कि उक्त परीक्षार्थी द्वारा जो प्रश्न पत्र का फोटो खींचा गया वही प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, ठीक है, वही प्रश्न पत्र वायरल हो गया। नियम क्या कहता है, तो नियमानुसार परीक्षा समाप्ति या प्रश्न पत्र ओएमआर सीट जमा हो जाने के पश्चात ही, यानी कि प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट जब जमा हो जाता है उसके बाद ही मोबाइल एवं अन्य जमा सामान वापस किया जाता है। हालांकि बिहार एसएससी के द्वारा जो ये परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें सेंटर के अंदर कोई भी सामान ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बीएस कॉलेज दानापुर में सामान अंदर रखा गया था, परंतु रूम संख्या 7 में प्रतिनियुक्त वीक्षकों द्वारा ऐसा नहीं किया गया, यानी कि रूम नंबर 7 में जिस रूम से ये प्रश्न पत्र वायरल हुआ उसमें जो वीक्षक थे उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। बीएस कॉलेज दानापुर के रूम नंबर 7 में प्रतिनियुक्त वीक्षक एक है त्रिवेंद्र कुमार, पूनम वर्मा, राजू कुमार और रमेश कुमार, ये चार वीक्षक थे वहां पर। कहा जा रहा है कि इन चार वीक्षकों द्वारा अगर अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए परीक्षा का समय समाप्त होने या प्रश्न पत्र ओएमआर सीट जमा होने के पश्चात जमा मोबाइल दिए जाने की अनुमति दिया जाता तो प्रश्न पत्र वायरल नहीं होता एवं उक्त परीक्षा सही से संपन्न हो जाता, यानी अगर ऐसा होता तो परीक्षा सही से संपन्न हो जाता। फिलहाल आयोग भी मान रही है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, उक्त परीक्षा द्वारा अपने कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गई जिस कारण उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ। यहाँ पे देखिए आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि इसका प्रश्न पत्र वायरल हुआ और किसके कारण, तो ये वीक्षकों की लापरवाही अनुशासनहीनता के कारण। पत्र द्वारा रूम संख्या 7 में प्रतिनियुक्त चारों वीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया, यानी कि जिला पदाधिकारी को यह लेटर के द्वारा कहा गया कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। देखिए पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के पत्रांक 120 दिनांक 29/4/2023 की छाया प्रति इसमें भी संलग्न किया गया लेटर में, और वही चीज कहा गया कि जो प्रतिनियुक्त थे वीक्षक ये चारों त्रिवेंद्र कुमार, पूनम वर्मा, राजू कुमार और रमेश कुमार, जिन्होंने परीक्षा समाप्ति का टाइमिंग था 12:15 से पूर्व अभ्यर्थियों को उनके जमा किए मोबाइल उपलब्ध करा दिए जिससे संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उनके विरुद्ध लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता की यथोचित कड़ी अनुशासनिक एवं विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो ये लेटर जो है बिहार एसएससी के सचिव के द्वारा लिखा गया है किसको, तो डीएम को, पटना के डीएम को लिखा गया, और यही बात है कि पेपर कैसे वायरल हुआ यही सच्चाई है। हालांकि समय को लेकर के जो है करीब 12:13 की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा ये तो कोर्ट में मामला है, लेकिन आयोग की तरफ से यही बात को रखा गया है कोर्ट में भी। आप देख सकते हैं ये कोर्ट में भी इसको जमा, मतलब ये लेटर को दिया गया है, 102 पेज का हलफनामा दायर किया गया था,
इसमें एक्स एफ यहाँ पे देख सकते हैं 102 पेज के में 90वां पेज जो है वो यही लेटर है कि हमने ये कार्रवाई की, वहाँ पर ये हुआ था, इस वजह से प्रश्न पत्र वायरल हुआ। आगे देखिए, इस लेटर का जवाब भी वकील के द्वारा दिया जाना है और इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। आगे जो कुछ भी होगा, 20 सितंबर को सुनवाई है, जो भी होगा अपडेट हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।